दोस्तों, इंडियन सोनाली कंपनी को बहुत फायदा मिलता है और स्पेशली ट्रैवलिंग रिलेटेड के मामले में सबसे बेसी फायदा मिलता है अपने को जब अपने भूटान जाते हैं। आपको पता है कि भूटान में जाने के लिए अगर आप इंडिया से नहीं हो तो आपको 17,500 डेली का स्पेंड करना पड़ेगा भूटान में। चाहे आप वहाँ स्पेंड करो नहीं करो, वो मिनिमम आपका स्पेंडिंग है, मतलब $250 कोई भी कंट्री से हो एक्सेप्ट इंडिया। इनफैक्ट एक्चुअली इंडिया, बांग्लादेश और मालदीव भी आ जाता है, पर सिंस अपने इंडियंस, इसलिए मैं इंडिया का बात कर रहा हूँ। तो अपने इंडियंस को कोई फी नहीं देना पड़ता है, ऐसा कोई मिनिमम कुछ नहीं है। आप जितना स्पेंड करना उतना चाहो, आप चाहे ₹1,000 डेली का स्पेंड करो, ₹500 स्पेंड करो, सब कुछ अलाउड है। तो और एंट्री फीस, वीज़ा फीस कुछ भी नहीं है। पर बस इस बार पहली बार भूटान ने एक्चुअली इंडियंस के लिए एक फी लगाया है। वेल, वो $250 का तो फी अभी भी नहीं है अपने लिए, पर अब ₹1,000 एंट्री फीस लगा दिया है। तो बेसिकली आप एंट्री फी बोल दो या वीज़ा फी बोल दो, तब आप जाओगे ना तो आपको ₹1,000 देने पड़ेंगे एक बार के लिए। डेली का भी नहीं, वो बस वो वीज़ा फी है, वन टाइम एंट्री फी, वो अपने को देना होगा। अब अपने भूटान जाएंगे तो बस एक एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया भूटान जाने का। पर मैं समझता हूँ वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना सुंदर जगह भूटान, मैं हुआ हूँ भूटान, इतना बढ़िया है, उसके मेरे वीडियोज भी भूटान के आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा जगह है। तो इसके पहले कि भूटान भी हम लोग के लिए इस तरह से $250 का US फी लगा दे, जिसके लिए बहुत मुश्किल है अपने भूटान जाना, अपने हुआ है, मैं चाहता हूँ कि हर एक इंडियन एक्चुअली भूटान देखे, बहुत ही प्यारा जगह है, आपको मजा आ जाएगा वहाँ जाके।